हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ रिसर्च के ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं, बिकॉज आप सभी के जो यू नो सिलेबस है फॉर डाउ डेट 2023, उसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च ये एक यू नो सब टॉपिक है इन द रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। एंड दैट्स वाई मैं सारे जो एमसीक्यूज है रिगार्डिंग टू मीनिंग ऑफ रिसर्च वो इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। बिकॉज ऑफ दैट आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ रिसर्च वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड एज वेल आप सभी की काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इन सारे यूनिट्स के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, बिकॉज दीज यूनिट्स आर इन योर सिलेबस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, एंड दैट्स वाई विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग डाफ डेट 2023 एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है, एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, सो आप सभी को अगर ये कोर्स यू नो परचेस करना है, देन इसका स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो कोर्स को परचेस करने के लिए आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर, एंड इसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो, देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग डाउ डेट 2023 इस पर्टिकुलर एग्जाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट उसी के साथ आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे। ओके, सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस यू नो सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, विच ऑफ देम ऑफर अ सूटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च? गिव योर आंसर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। सो यहाँ पे आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, एंड आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप सभी को रिसर्च की एक सूटेबल डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। सो रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च, यानी कि रिसर्च ये एक रिपीटेड सर्च है। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी कि रिसर्च ये एक क्वेश्चन का आंसर है। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च हम सभी को प्रॉब्लम का ऑथेंटिक सल्यूशन प्रोवाइड करती है। रिसर्च इज एन एंडीवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, यानी कि रिसर्च ये एक एंडीवर है जो कि आप सभी को हेल्प करती है, ताकि आप सभी लोग किसी भी प्रकार का हाइपोथेसिस प्रूफ कर सके। रिसर्च इज़ अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस, यानी कि रिसर्च ये आप सभी को एक मीनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैम्पल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन, यानी कि रिसर्च ये एक तरीका है जहाँ से आप सभी लोग डिफाइंड पॉपुलेशन में से सैम्पल को चूज कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम सभी के पास ऑप्शंस है 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 6, 1, 4 एंड 6 एंड 2, 3 एंड 5। ओके, सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4, 2, 3 एंड 5। ओके, जो कि स्टेटमेंट्स है 2nd, 3rd एंड 5th, बिकॉज रिसर्च
यू कैन से कि रिसर्च का मतलब होता है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन. यस इट इज ट्रू, बट इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर. एंड हम लोग अगेन एंड अगेन सर्चिंग करते हैं ताकि हम सभी को क्वेश्चन का आंसर मिल सके. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, विच इज रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन. अगेन रिसर्च हम सभी को प्रॉब्लम का ऑथेंटिक सल्यूशन प्रोवाइड करती है. ऑथेंटिक यानी कि ओरिजिनल सल्यूशन, यानी कि ऐसा सल्यूशन जिस पे हम सभी लोग 100% भरोसा कर सकते हैं. एंड ऑल्सो रिसर्च इज अ गिव मीनिंग गिविंग प्रोसेस. सो इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की थियोरी, किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट, ओके, इनकी अगर आपको मीनिंग जाननी है, देन ऑब्वियसली रिसर्च आप सभी को इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी मदद करता है. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज 2, 3 एंड 5. ओके, नॉट 6, नॉट 4 एंड नॉट 1. ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च इज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? फर्स्ट ऑप्शन इज अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सो रिसर्च का मतलब ये है कि आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप नॉलेज को क्रिएट कर सको एंड एज वेल आप नॉलेज को अप्लाई कर सको. अडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि आप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना चाहते हो और ढूंढ सकते हो. अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, यानी कि जो डेटा आपने ऑब्जर्व किया है उस पर्टिकुलर डेटा के आधार पर आप जनरलाइजेशंस निकाल सकते हो. जनरलाइजेशंस यानी कि मेकिंग प्रेडिक्शंस और हिंदी में सामान्यीकरण करना. सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. So students, the correct answer is first, that is adoption of scientific method for creation and application of knowledge. Because research जो है ये हमेशा scientific method को ही follow करता है. Because scientific method is a systematic method जिसमें काफी सारे steps, you know, एक particular way में है and ऐसा एक path है उसमें जो कि हम सभी को, मतलब वैसा ही वैसा path हम सभी को follow करना पड़ता है. And that's why here the correct answer is 1. Which of the following statements best reflect the meaning and characteristics of research? So, यहाँ पे again हमें 6 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं एंड फ्रॉम दिस हमें ऐसे स्टेटमेंट्स चूज करने हैं जो हम सभी को मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता सके, मतलब दोनों ही साथ में. रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो. चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो का मतलब होता है कि ऐसा कुछ भी करना विच इज अनएक्सपेक्टेड. ओके, मतलब द थिंग विच वी आर डूइंग विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड द थिंग्स विच आर नॉट डूइंग और विच आर नॉट डन बाय द जनरल पीपल. ओके, रिसर्च इज एन एंडेवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस. देखो, डिडक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. ओके, एंड इंडक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि आप थियोरी को डेवलप करते हो. सो यानी कि रिसर्च में आप सभी लोग दोनों ही प्रोसेसेस को सिंथेसाइज करते हो, यानी कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शंस एंड बिलीव्स. रिसर्च इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज. रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज. So we have the options 1, 2 and 3, 2, 4 and 5, 1, 5 and 6, 1, 3 and 6. So the correct answer is 4, 1, 3 and 6. So let us see what are those statements 1, 3 and 6. So research means challenging the status quo. Dekho, research ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है विच इज नॉट जनरल. एक्चुअली दिस इज द अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस बिकॉज रिसर्च
से हम सभी लोगों को कुछ तो नया मिलता है. वॉट एवर वी डिस्कवर इज एक्चुअली न्यू एंड यूनिक, एंड दैट्स वाई रिसर्च इज अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस. ओके, एज वेल रिसर्च में हम सभी लोग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस को भी सिंथेसाइज करते हैं, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि वॉट आर दीज प्रोसेसेस. एंड एज वेल रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, यानी कि आप क्रिटिकली एंड पैशनेटली नॉलेज के बारे में सर्च करते हो. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज फोर. वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइंस इज डैश. ओके, पोस्ट डिक्शन, परस्यूएशन, प्रेडिक्शन, असर्शन. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता होगा कि वॉट इज प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन यानी कि प्रेडिक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम डेटा, जिस डेटा को आपने ऑब्जर्व किया है और आपके पास हाइपोथिसिस है, एंड बाद में आपने हाइपोथिसिस को टेस्ट किया है, और हाइपोथिसिस इटसेल्फ इज अ प्रेडिक्शन, राइट? सो दैट वी कॉल इट एज अ प्रेडिक्शन. एंड पोस्ट डिक्शन, ये एग्जैक्टली प्रेडिक्शन से अपोजिट होता है. मतलब प्रेडिक्शन यानी कि जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, बट पोस्ट डिक्शन का मतलब होता है कि जो पास्ट में हुआ है, ऑन दैट वी थिंक. परसिवेशन यानी कि कन्विंसिंग अ पर्सन, मतलब आप पर्सन को कन्विंस कर रहे हो. एंड असर्शन यानी कि असर्शन यानी कि देर इज द रियालिटी, मतलब वो है ही. ओके, मतलब एज वी नो दैट ना, देर आर यू नो असर्टिव सेंटेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो असर्टिव यानी कि इट्स अ फैक्ट. ओके, इट्स अ स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज थ्री, बिकॉज द मेन एम ऑफ साइंस इज प्रेडिक्शन. प्रेडिक्ट करना, यही एक मेन है ना साइंस का, राइट? दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज थ्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है? एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, रिसर्च मे बी विदाउट अ हाइपोथिसिस, रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज, रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज फोर, एज इट इज, एज वी नो दैट कि रिसर्च ये हमेशा सिस्टमैटिक होता है, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, देखो, कोई भी इंसान रिसर्च कर सकता है. रिसर्च ये हाइपोथिसिस के बिना भी हो सकता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये हाइपोथिसिस के बिना भी हम लोग कर सकते हैं. एज वेल रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज, यानी कि वी नीड द फैसिलिटीज जहाँ से हम सभी लोग रिसर्च कर सके और जहाँ से हम सभी को रिसर्च करने के लिए हेल्प मिल सके. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज फोर. विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो. देखो, यहाँ पे आपको फोर ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, एंड इन ईच ऑप्शन आपको रिसर्च के स्टेप्स दिए हैं. सो आपको इनमें से कौन से ऑप्शन में रिसर्च का करेक्ट स्टेप आपको प्रोवाइड किया है वो चूज करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, देन एनालिसिस, देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, देन हाइपोथेसिस मेकिंग, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, देन अराइविंग एट जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स. डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, डेटा एनालिसिस, अराइविंग एट कंक्लूजन्स एंड डेटा कलेक्शन. प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड फॉर्म्यूलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स. प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, डिसाइडिंग अबाउट द सैम्पल एंड डेटा कलेक्शन टूल्स, फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज थ्री, प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, देन हाइपोथेसिस मेकिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड फॉर्म्यूलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन. देखो, किसी भी प्रकार के रिसर्च में पहला स्टेप यही होता है कि
प्रॉब्लम को फॉर्म्यूलेट करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्म्यूलेट करो, देन आफ्टर दैट हाइपोथेसिस को बनाओ, यानी कि प्रेडिक्शन बताओ, देन रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करो, देन डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो, देन जनरलाइजेशंस को फॉर्म्यूलेट करो, एंड द लास्ट यू नो स्टेप इज कंक्लूजन्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3. Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे रिसर्च की इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है. डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, देन फॉर्म्यूलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, देन फॉर्म्यूलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथिसिस. जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि सबसे पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्म्यूलेट करना पड़ता है, बिकॉज विदाउट द रिसर्च क्वेश्चन आप रिसर्च कर ही नहीं सकते हो. यू कांट यू नो प्रेडिक्ट योर आंसर्स विदाउट अ रिसर्च क्वेश्चन, राइट? दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 2. व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? सो रिसर्च डिजाइन क्या है? So whether it's a way of conducting research that is not grounded in theory, yani ki research design ye ek research karne ka tarika hai, okay, which is not grounded in theory, matlab jo theory mein aur theory ke aadhar par nahi hai. The choice between using qualitative or quantitative methods, the style in which you present your research findings, example a graph, a framework for every stage of the collection and analysis of data. So the correct answer is 4, because research design is a conceptual framework for every stage of the collection and analysis of data. देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, right? कि आपकी जो यू नो थर्ड स्टेप होती है वो होती है डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन. ओके, बिकॉज इन द रिसर्च डिज़ाइन आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स को इस्तेमाल करना है एंड कौन से डेटा एनालिसिस मेथड्स को आपको इस्तेमाल करना है इन योर रिसर्च. एंड दैट्स व्हाई रिसर्च डिज़ाइन ये एक पर्टिकुलर यू नो फ्रेमवर्क होता है और इट्स एन आउटलाइन, ओके, जिसकी मदद से आप सभी लोग ईच एंड एवरी स्टेज को डिजाइन कर सकते हो. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4. व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू. सो जब भी आपको सोशल रिसर्च करना है देन उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, यानी कि सोशल रिसर्च में जिस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है उस टॉपिक को आप अप्रोच कीजिए बट विद एन ओपन माइंड, यानी कि खुले दिमाग से. डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इन टू इट. पायलट स्टडी यानी कि स्मॉल स्केल स्टडी करो, ओके, बिफोर अ लॉन्ग लास्टिंग रिसर्च स्टडी. बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक. Forget about theory, because this is a very practical. So students, the correct answer is 1, because social research ये एक qualitative research होता है, okay, and that's why आपको पहले topic को approach करना चाहिए with an open mind, okay, because it's a qualitative research and you are doing a research on society and that's why you need the यू कैन से कि आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है. यू वॉन्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरैक्शन, एंड फॉर ऑल ऑफ दीज स्टफ आपको पहले टॉपिक को अप्रोच करना पड़ेगा विथ एन ओपन माइंड, ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट इज द सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर. ओके, सो अगेन आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि जब भी आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है देन उसमें आपको कितने सारे स्टेप्स से विथ अ सिक्वेंशियल मैनर आपको जाना पड़ेगा. बट हियर एक्चुअली जो प्रॉपर साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज. सो लेट अस सी ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोवेरिएशन.
then elimination of spurious relations, then generalization and theorization. Second option is generalization, covariation, theorization, elimination of spurious relations, theorization, generalization, elimination of spurious relations, covariation, elimination of spurious relations, theorization, generalization, covariation. So students, the correct answer is first, because covariation का मतलब होता है कि एक साथ variation होना. So for example, in the research there are common two variables जो कि हम लोग आगे से देखने वाले हैं in subsequent videos. So ये जो दो variables होते हैं, इनमें से एक होता है independent variable and दूसरा जो होता है वो होता है dependent variable. Okay? Fine. So students, ये दोनों भी वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोवेरिएट होते हैं, यानी कि अगर आप एक की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, देन डेफिनेटली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी उतनी ही अमाउंट से चेंज होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कोवेरिएशन. एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस बाद में आता है. स्पूरियस रिलेशंस का मतलब होता है कि फेक रिलेशन और अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ द थर्ड वेरिएबल. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पूरियस रिलेशन. सो आपको ऐसे फेक रिलेशंस को पहले एलिमिनेट करना है. देन आफ्टर ऑल देर विल बी अ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन यानी कि प्रेडिक्शन, और यू कैन से कि सामान्यकरण. सो जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टारगेट पॉपुलेशन है, बट आप टारगेट पॉपुलेशन को तो पूरा स्टडी नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स वाई आप टारगेट पॉपुलेशन में से आप सैम्पल्स को चूज करते हो, राइट? सो सैम्पल्स के ऊपर आप स्टडी करते हो. सो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम स्टडिंग द सैम्पल्स, ये सारे रिजल्ट्स आप पॉपुलेशन पे लगा देते हो. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ जनरलाइजेशन. And after that, theorization is nothing but making a theory based on your results. Okay? And that's why ये एक logical sequence है कि पहले covariation करो, spurious relations को eliminate करो, then generalization करो and theorization करो. This is the basic logical procedure of scientific research, any scientific research. Okay? That's why here the correct answer is 1. So students, thank you for watching this video. I hope all of you understood the concepts relevant to meaning of research. And in tomorrow's session, I'm going to take the session on characteristics of research. Okay? Fine.